जो पार्टी सैनिकों का सम्मान नहीं करती उसे देशहित की फिक्र नहीं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को नाचन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जांच और सियांज में जनसभाएं संबोधित की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं को ये बात रास नहीं आ रही कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्व सैनिक को प्रत्याशी बनाया है, इसलिए कांग्रेस के नेता लगातार सेना और सैनिकों पर निशाना साध रहे हैं। जनता समझ सकती है कि जो पार्टी सेना का सम्मान नहीं कर सकती वह कैसे देश के हित के बारे में कुछ सोच सकती है। जांच और सियांज में बारिश के बावजूद भारी संख्या में लोग जनसभा में मौजूद रहे। जांच में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने भाषण की शुरुआत बड़ा देव कमरुना की जयकारी के साथ की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 3 सालों से गरीबों के लिए काम करने की कोशिश की है। काजाखंड के तहत शिचलिंग के समीप रविवार रात को एक पिकअप गाड़ी खाई में गिरने से हादसा सामने आया है। व्यक्ति नीरज कुमार ने बताया कि हादसे में 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रविवार रात 10:15 बजे काजा पुलिस स्टेशन में सड़क दुर्घटना के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद 7 सदस्यीय टीम थाने से रवाना हो गई। वहीं SD महेंद्र प्रताप और DSP रोहित मृगपुरी भी मौके पर गए हुए थे। तीनों शवों और तीनों घायलों को सुबह 2:30 बजे तक निकाल लिया गया। देर रात को बारिश हो रही थी, ऐसे में रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। सभी मृतकों और घायलों को रेस्क्यू करने के बाद CHC का जलाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने प्रचार के लिए अपने गृह क्षेत्रों का कर दिया त्याग। टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं ने प्रचार के लिए अपने गृह क्षेत्रों का त्याग कर दिया है। सोमवार से अर्की के पूर्व विधायक गोविंद राम शर्मा और पूर्व मंत्री आशा परिहार मंडी संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर के लिए प्रचार करेंगे। फतेहपुर में प्रचार से इनकार कर चुके कृपाल परमार भी अपने हल्के में नजर नहीं आ रहे हैं। वे भी मंडी में प्रचार करेंगे। अर्की में भाजपा का टिकट रत्नपाल सिंह को देने के बाद से ही गोविंद राम शर्मा और आशा परिहार नाराज चल रहे हैं। उन्होंने भाजपा के खिलाफ बगावत तो नहीं की, मगर ये ऐलान कर डाला है कि वे दोनों ही अर्की में चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। दोनों से भाजपा के राज्य प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी मिल चुके हैं और ये आग्रह कर चुके हैं कि वे पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करें, पर दोनों ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति को टिकट देने का वे शुरू से ही विरोध कर रहे हैं उसके साथ अब वे कैसे खड़े होंगे। इंदौरा के मंड क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों की धान की फसल की खरीद के लिए त्यौरा में मंडी खोली गई थी, लेकिन मंडी में अधिकारियों और ठेकेदार धीरे रवैये के कारण फसल सड़ने की कगार पर पहुंच चुकी है। किसान यहां अपनी फसल खेतों से काटकर सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद मंडी में पहुँच रहे हैं, लेकिन मंडी में जिस ठेकेदार को धान की सफाई का ठेका दिया गया है उसकी लेबर कम होने के कारण 15 तारीख को पोर्टल में दर्ज 23 किसानों में मात्र 18 किसानों की ही फसल उठाई जा सकी। किसान अपनी फसल को काटकर मंडी में उपस्थित अधिकारियों की ओर टकटकी लगाए बेबसी से देख रहे हैं। स्थानीय विधायक रीता धीमान विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में हो रहे चुनाव में व्यस्त हैं। जब इस समस्या को लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिमाचल में हम पहली बार धान की खरीद कर रहे हैं, धान खरीद के दौरान जो भी कमियां आ रही हैं उसको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। डेंगू से बचाव के दृष्टिगत घरों के आसपास बनाए रखे सफाई, पानी नहीं होना दे जमा। राज्य स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि जनवरी 2021 से अब तक राज्य में डेंगू के 257 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए राहत की बात यह है कि इस वर्ष राज्य में अब तक डेंगू से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने लोगों को इससे सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 से 14 अक्टूबर 2021 तक राज्य में डेंगू की जाँच के लगभग 2344 टेस्ट किए गए, जिनमें से 257 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए। इसी अवधि के दौरान जिला बिलासपुर में 1, चंबा में 3, हमीरपुर में 5, कांगड़ा में 25, मंडी में 3, सिरमौर में 1, सोलन में 194, ऊना में 21 और मेडिकल कॉलेज टांडा में 4 मामले डेंगू के पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अचानक तेज बुखार होना, सिरदर्द, आंखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, थकान, उल्टी आना और शरीर पर लाल चटके होना आदि डेंगू के लक्षण हैं, जो डेंगू के बुखार के आरंभ से 2 से 5 दिन के बाद दिखाई देते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। राज्य स्तरीय यमुना शरद महोत्सव का सोमवार को पौंडरसाही में शुभारंभ हो गया। यमुना शरद महोत्सव को लेकर प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। इस बार शरद महोत्सव में कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सांस्कृतिक संध्या नहीं हो रही है, पर 2 दिवसीय मेले के दौरान यमुना आरती और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।
कोरोना महामारी के चलते उत्सव में फ्री वैक्सीनेशन और आरटीपीसीआर टेस्ट का भी प्रबंध किया गया है। यमुना शरद महोत्सव में पहले दिन मुख्य अतिथि उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम रहेंगे और शरद महोत्सव में पूजा अर्चना कर इस मेले की शुरुआत भी की गई। इसके बाद आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, विभिन्न प्रदर्शनियों का उद्घाटन, मुख्य अतिथि ने खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। खेल प्रतियोगिताओं में मुख्य रूप से नालागढ़, हरियाणा, कफोटा, सोलन और पंचकुला की टीमें पहुंची। उपचुनाव की सबसे हॉट सीट बन चुकी जुब्बलकोट खाई में भाजपा के ही हरदाव से पार्टी से बागी चेतन बरागटा भगवा ब्रिगेड को पटकनी देने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर रैलियों की भीड़, सियासी उठक पटक और भगवा पटका तक भाजपा की कमान के हथियार माने जाते थे। इन्हीं के बल पर भाजपा विपक्षियों पर भारी पड़ती थी, लेकिन प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद से चेतन हर बैदाव चढ़ रहे हैं, जो भाजपा के कमल के फूल की राह पर रोड़ा बन रहा है। भाजपा के प्रदेश आईटी संयोजक रहे चेतन बरागटा इस समय सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं। भाजपा के खिलाफ टीम चेतन भगवा झंडे और पटकों का सेवका प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रही है। चेतन रैलियां भी ताबड़तोड़ कर रहे हैं। आमतौर पर चुनावों में भाजपा दूसरे दलों से लोगों को तोड़कर सियासी दांव पेच करते दिखती थी, लेकिन चेतन ने भाजपा की पूरी टीम तोड़कर उसे बैकफुट पर ला दिया है। बिलासपुर जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने बताया कि मैसर्स जेएसके इंटरनेशनल लिमिटेड बद्दी द्वारा ट्रेनिंग ऑपरेटर्स के 30 पदों को भरने के लिए 21 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को 10,446 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रोडक्शन बोनस, ईपीएफ, ईएसआई, लीव्स और ग्रेच्युटी का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी की आयु 20 से 25 होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई पास। पुरुष उम्मीदवार अपने सभी अनिवार्य दस्तावेजों सहित 21 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में पहुंचकर कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर शहर और इसके आसपास इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। लगभग 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस इंडोर स्टेडियम के लिए प्रदेश सरकार ने पहली किश्त के रूप में 60 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। सोमवार को यहां टाउन हॉल में जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि इस इंडोर स्टेडियम के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। हमीरपुर शहर और इसके आसपास उपयुक्त जमीन उपलब्ध होते ही स्टेडियम का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों, जिला बैडमिंटन संघ और अन्य खेल संघों के पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों ने विश्वभर में अपनी अलग पहचान बनाई। रोहतांग सहित मनाली लेह मार्ग के कई दर्रों में ताज़ा हिमपात होने से यातायात बंद हो गया है। मनाली लेह मार्ग पर बारालाचा दर्रा पर 1 फुट तक बर्फ गिरने की सूचना है। वहीं रोहतांग में 5 इंच तक बर्फ गिरी। हिमपात के बाद लाहौल की ऊंची चोटियों और स्पीति घाटी ने श्वेत चादर ओढ़ ली है। लाहौल प्रशासन ने मनाली लेह और मनाली काजा मार्ग पर यातायात बंद कर दिया है। उधर मनाली की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में बारिश होने से पूरी घाटी कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गई है। स्पीति घाटी में बर्फबारी की वजह से पर्यटकों का एक वाहन फंस गया था। लोसर गांव के युवाओं ने रविवार रात को तकचा के पास बर्फबारी के बीच टेम्पो ट्रैवलर और अन्य गाड़ियों को रेस्क्यू कर सुरक्षित लोसर पहुंचाया। इसके बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ।